बांदा से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, जहां राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बांदा में आयोजित हुआ चौरी चौरा कार्यक्रम। मुख्य अतिथि रही शहीद जवान की पत्नी और बेटी। कॉलेज की तमाम छात्राओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर प्रस्तुत किया गया। महिला हिंसा को लेकर महिलाओं को जागरूक डॉक्टर शाहिबा रामानी ने अपनी स्वर्गीय माँ को याद किया, बालिकाओं को पुरस्कार दिया। मौजूद रहे तमाम वरिष्ठ नागरिक। मुख्य अतिथि डॉक्टर सबाना रफीक ने जागृति गुप्ता को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। बुंदेलखंड की टॉपर स्टूडेंट्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागृति गुप्ता है। जागृति जी, आज आपके महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है और इस पे आपको पुरस्कार दिया गया है, किस उसके लिए पुरस्कार मिला है आपको? ये पुरस्कार मुझे सर ने बताया कि जागृति तुम हमेशा यहाँ पे हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती हो, तो उसके लिए तुम्हें हमेशा हम कहते रहते हैं कि देंगे, लेकिन इस बार सबाना रफीक जी का एक मेडल देती हैं वो, तो वो तुम्हें देना चाहते हैं क्योंकि तुम हमेशा अव्वल ही रहती हो। और छात्रा सम्मान समारोह हुआ था अभी, एक प्रतियोगिता, उसमें भी मैं प्रथम आई थी। संगीत की थी वो, गायन की, और विभागीय परिषद की में भी मैं प्रथम आई थी इस वजह से। किस किस कला में आपको पुरस्कार मिला है? मुझे चेस में एज अ विनर पुरस्कार मिला है, और सिंगिंग में दो प्रथम पुरस्कार के लिए भी मिला है, अभी और भी मिलेंगे मुझे, और पढ़ाई में भी। हाँ। जी, अपने पीछे आने वाली छात्राओं को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कभी किसी चीज़ को लेकर उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटी चीज़ है या ये हम नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं अगर वो दिल से ठान लें कि हाँ हम कर सकते हैं। पहले मैं भी बहुत नर्वस हो जाती थी, लेकिन टीचर्स के बोलने पे मैं भी थोड़ा अब ठीक हो गई हूँ, और परफॉर्मेंस मैं देती रहती हूँ। मेरा खानम जी, आज आपके बारे में पता चला है आपके वार्षिक महोत्सव में कि आपने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी टॉप किया। जी जी। किस सब्जेक्ट में टॉप किया? सारे सब्जेक्ट में टॉप किया। अपने आपको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है आज। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा था कि मैंने इस कॉलेज से अपना BSc कंप्लीट करा, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। अपने पीछे आने वाली छात्राओं को किस तरह से प्रेरणा देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके? उसमें यही कहना चाहूँगी, अपना पूरा हार्डवर्क करें, पूरी लगन से मेहनत करें, और कभी भी ये डाउन टूवर्ड ना हुआ करें, और हमेशा मेहनत के लिए आगे बढ़ें। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप अपनी कामयाबी का? सबसे पहले तो अल्लाह ताला को, दूसरा जितने भी टीचर्स हैं और जितने मैंने सपोर्ट किया टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल हुसैन है। कौशल जी, आज यहाँ पर आपके महाविद्यालय में आपको पुरस्कृत किया गया है, किस लिए किया गया है? मुझे अच्छे स्टूडेंट्स में पुरस्कृत किया गया है। मेरे टीचर्स मानते हैं कि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, हार्डवर्कर हूँ, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है? जी। कौन सा और यहाँ किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? मैं डॉक्टर दीपाली गुप्ता, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ, और आज जो है हमारे महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन लामा गांव के विकास कुमार शहीद हुए थे, तो हमने पहले ही सोचा कि ये वार्षिकोत्सव हम उनके नाम करेंगे, और आज के दिन उनकी माँ, पत्नी और बेटी को अपना मुख्य अतिथि बनाएंगे, ताकि हम पूरे सम्मान के साथ उनकी शहादत को याद कर सकें। और इस उपलक्ष्य पे आप मेरे साथ देख रहे हैं, उनकी पत्नी है, बेटी है और माँ है, और बस। किस तरह के आयोजन हुए हैं और आज यहाँ पर हमने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को भी याद करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स प्रिपेयर कराए हैं, जिसमें हमारे आज़ादी के शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाने वाली थी वो वाली घटना पर है। उसके अलावा स्त्रियों पर जो एसिड अटैक जैसी घटनाएं हो रही हैं, उन पर एक कार्यक्रम केंद्रित है। उसके अलावा एक दो हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे समाज को ये प्रेरणा मिले कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, और कुछ मनोरंजक कार्यक्रम भी हमारी छात्राओं ने तैयार कराए हैं, जिसमें राधा कृष्ण का नृत्य है और कुछ एकल और बहुत सारे ग्रुप डांसेस भी हैं।